75 वर्षों से यहां जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहां संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल ना हंसने को चाह रहा है ना हंसाने को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर पर एफआईआर का तोड़ दिया। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर पर एफआईआर कटवाई जा रही है, और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नजर नहीं आती, मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर वन है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर वन है। सैलाब से कहीं ज्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। आईएमएफ से बातचीत खत्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें, अमीर परेशान हैं कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अग्रबादी ने लिखा था, जब मिली रोटी हमें सब नूरे हक रोशन हुए, रात दिन शमसो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के, वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेष बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है, उस नुकसान का अंदाजा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मोहम्मद अहमद शाह की उर्दू से मोहब्बत उनको लाहौर ले आई। मैं पहले कह चुका हूं, कराची में 15 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, शहर के हालात कुछ भी हों कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है।
हार्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है। मेरी जान नाच का गम न कर कि न जाने कातिब वक्त ने, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिब वक्त ने, किसी अपने कलमे भी भूल कर कहीं लिख रही हूँ मुसर्रतें। देर से आंख पे उतरा नहीं अश्कों का अजाब, अपने जिम्मे है तेरा कर्ज न जाने कब से। पैसा का कर्ज उनके आंसू थे, हमारा कर्ज बिल्कुल अलग है। मौसम में गुल है लाहौर में, पैसा आपने कहा ये मौसम में गुल गर्चे तरफ खेस बहुत है, ये मौसम में गुल गर्चे तरफ खेस बहुत है, अहवाले गुलो लाला गमेज बहुत है। पैसा आपने सारी जिंदगी खिलाफ लिखते रहे, मगर बड़ी तहजीब और तमीज से, फिर भी कुछ लिखकर जेल चले जाते थे। जिंदगी का तवील हिस्सा जेलों में गुजारा, मगर मैंने कभी उनको रोते नहीं देखा। एक मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी हुई होती थी, कहते थे मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकते हैं, न हम बदल सकते हैं न ये लोग बदलने के काबिल हैं। जब तो खुद फौज में कर्नल थे, IMF ने हुकूमत से कहा वजीरों और सरकारी अफसरों के असासे बताएं। एक जमाने में हुकूमत ने फैज साहब से कहा था अपने असासे बताओ, तो फैज साहब ने कहा हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज साहब उसी सदी में पैदा हुए जिस सदी में इकबाल पैदा हुए थे। इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं, फिर फैज का नंबर आता है। फैज साहब ने अपनी दूसरी किताब का नाम दस्ते सबा रखा था, दस्ते सबा भी इकबाल के एक मिसरे से लिया था। इकबाल ने कहा मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी कबा चाक। आखिर में जाने से पहले दो छोटी नज़में हैं, एक ज़हरा निगाह की है एक फैज साहब की है। दोनों नज़में आप पहले ज़रूर सुन चुके होंगे। ज़हरा निगाह की नज़म है सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। यहां शेर से मुराद नून नहीं है, असली शेर है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी सांप चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदा बंदा
जलील व मोतबर दाना व बीना मुनसिफ व अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिस कर।